तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज के अंदर आईफोन 11 का जो सेल प्राइस है वो बाहर निकल कर आ चुका है ऑफिशियली, जो कि करेंटली 30,000 रुपीज़ है। हाँ मैं जानता हूँ कुछ टाइम के लिए स्मार्टफोन जो है रात में 27-28 में भी बिका था, बट यहाँ पे कुछ प्राइसिंग जो है फ्लिपकार्ट ने इंक्रीज करा है और अब आप इसको 30,000 में ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो आपको यही बताऊंगा कि आखिरकार आप आईफोन 11 30,000 रुपये में कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर हमें कौन कौन से कार्ड अप्लाई करने पड़ेंगे, कौन से डेट्स को हम ले सकते हैं, मतलब कितने तारीख से हम इसको ले सकते हैं, हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं iPhone 11 से रिगार्डिंग। तो बस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूं iPhone 11 के कुछ हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहां पे जो है आपको इसमें एक IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जहां पे 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट लगाकर दिया गया है। सामने की तरफ 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैक की तरफ जो है 12+12 का डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है। यहां पे जो आपको A13 बायोनिक चिप देखने को मिलता है। अब तो यहाँ पे जो A13 बायोनिक चिप है वो सिर्फ 4G मॉडल को ही सपोर्ट करता है, यहाँ पे आपको 5G देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये स्मार्टफोन जो है 5G नहीं है, ये स्मार्टफोन जो है 4G स्मार्टफोन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंड दोस्तों यहाँ रही कुछ स्पेसिफिकेशन की कहानी, अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसके प्राइसिंग के बारे में, कैसे हम यहाँ पे सेल में परचेज कर सकते हैं 30,000 रुपये में। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है 64G वाला वेरियंट, जो कि मुझे लगता है बहुत कम ही लोग लेंगे, बट हाँ जिनको उतना स्पेस का नहीं है वो 64 की तरफ भी जा सकते हैं, आप 64G वाला वेरिएंट भी ले सकते हो। जहां पे इसकी जो एक्चुअल प्राइसिंग जो रेगुलर डेज में रहती है वो रहती है 43,990 रुपए, मतलब 44,000 मान कर चलिए। अब इस पे जो है आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज के रिगार्डिंग यहां पे 11,000 का ऑफ देखने को मिलता है, जिसके बाद जो इसकी कॉस्ट है वो बन जाती है 32,990 रुपए। अब दोस्तों यहां पे अगर आप एक्सिस बैंक या फिर ICICI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो यहां पे 3,000 का आपको और ऑफ देखने को मिलता है, जिसके बाद जो इसकी इफेक्टिव कॉस्ट है वो बन जाती है 29,990 रुपए, प्लस यहाँ पे 29 रुपीज जो फ्लिपकार्ट का सेफ पैकेजिंग का उसका चार्ज कर रही है। तो फाइनल प्राइस निकल कर आती है यहाँ पे 30,019 रुपए। तो 30,019 रुपए में आप इसे ले सकते हैं, कहाँ से मतलब 43,990 से 30,019 से, मतलब यहाँ पे आपको 14,000 का, जी हाँ 14,000 का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलता है। और जी हाँ ये एक अच्छा स्मार्टफोन है। देखिए अगर आपको एक आईफोन चाहिए और ऐसा है कि आपका 5G का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, देखिए आप आईफोन ले रहे हैं तो 3 साल यूज़ करेंगे ही करेंगे और अगले 1 साल बाद जो आपके हाथ में 5G होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप 5G होगा तो 4G का स्पीड बहुत ज़्यादा कम जाएगा, फिर 4G बहुत गंदा चलेगा, ऐसा नहीं है, 4G के साथ मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके ऐसा है कि हाँ भैया ठीक है मुझे 5G इतना नहीं करना है, मैं 4G के साथ खुश हूँ, तभी आप इस स्मार्टफोन को लेना, क्योंकि ये स्मार्टफोन जो है 5G नहीं है, 4G स्मार्टफोन है। नहीं तो फिर आप अभी ले लोगे 4G चल रहा है, फिर अगले साल जो है अगले साल के एंड तक जो है 5G आपको देखने को मिलेगा, फिर आपका फोन जो सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर आपको रिग्रेट फील होगी। तो इसको थोड़ा सोचना, और आपकी ऐसा है कि हाँ मुझे 5G से उतना दिक्कत नहीं है, 4G रहेगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, फिर आप इस स्मार्टफोन को लेना, नहीं तो यहाँ पे आप कोई और दूसरा स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था आईफोन 11 से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे एक और नई वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय।